नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। बड़ी खबर मझौलिया से है, जहां पुलिस ने शराब तस्करों के विरुद्ध टेस्ट ड्राइव अभियान चलाकर 266 पीस नेपाली देशी शराब के साथ एक बाइक को जब्त किया है। वहीं पुलिस के इस छापेमारी को देख शराब कारोबारी बाइक छोड़कर भाग निकले। बेतिया एसपी के दिशा निर्देश में शराब तथा उसके कारोबारियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस की लगातार छापेमारी जारी है। इसी क्रम में मझौलिया थाना अध्यक्ष अभय कुमार के नेतृत्व में एस ड्राइव अभियान चलाया गया, जहां गुप्त सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 266 पीस नेपाली देशी शराब के साथ एक बाइक को जब्त किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान धोकरा और भलुही पुल के समीप शराब कारोबारियों ने जैसे ही पुलिस को देखा, बाइक पर रखे शराब के साथ तस्कर भागने के दौरान एक पेड़ से अनियंत्रित होकर जा टकराए। तब तक पुलिस वहां पहुंच गई, किंतु अंधेरे का लाभ उठाकर दोनों शराब तस्कर फरार हो गए। वही पुलिस ने मौके से एक बोरे में भरी 266 पीस नेपाली शराब व एक बाइक को जब्त कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि जब्त बाइक के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए शराब कारोबारियों की छानबीन की जा रही है। वही पुलिस की इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कल रेड छापेमारी के दौरान एक अपाची पर व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ा, जो पुलिस को देखकर भी से भागा और वो पेड़ में टकरा जाने से मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। उस पर लदा हुआ 266 बोतल नेपाली शराब बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन संजोगवश वो आदमी भागने में सफल रहा।